आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। फारूक शेख रशीद साहब, ये तारो मैडम इस बात का ऐलान करती है कि ये जो तमाम भेंटे हमने जिसका उल्लेख यहाँ पर किया, जो आप लोगों के सामने लाया, अगर आप ये रद्द करते, अगर आप माने भाव शहर के करप्शन को दूर करते, आप यकीनन करप्शन के खिलाफ आपकी नियत सही है, तो मजलिस ए इत्तेहाद मुस्लिम लीग की आप कई अविश्वास प्रस्ताव में शाना बशाना आपके साथ खड़ी। आप कीजिए, सूचना दीजिए, पहले इसमें हरकत का मुद्दा है, वो हरकत के मुद्दे पर आपके हरकत के मुद्दे को रूल आउट किया जाता है, और ये कायदे से हरकत का मुद्दा है, जवाब दे दीजिए। सूचना दीजिए, सूचना नगर सचिव सूचना दीजिए। चलिए वोटिंग कराने, वोटिंग की जाए, चलो मतदान करो बाबा। प्रथम मतदान प्रक्रिया करता प्रथम प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान घेण्यात येईल। जे सदस्य या प्रस्तावात सहमत असतील त्यांनी हात उंचावून नाव सांगून मत नोंदवणे, तसेच प्रस्तावाच्या विरुद्ध असतील अशा सन्मान्य सदस्य यांनी हात उंचावून नाव सांगून मत नोंदवे। प्रस्तावापासून तटस्थ राहू इच्छितात त्यांनी सुद्धा याबाबत हात उंचावून नाव नोंदवून मत नोंदवे। या पद्धतीने मतदानाची प्रक्रिया होणार असून आज आप लोगों ने देखा कि आयुक्त के खिलाफ आज अविश्वास ठहराव हमने किया। आप तमाम लोगों ने देखा कि इसमें वोट करने वाले सभी पक्ष के नगर सेवक इसमें शामिल रहे। दरअसल जितने भी काम काज यहाँ अपने महानगर पालिका के माध्यम से होते हैं, वो सारे काम जब से ये आयुक्त आए हैं, जब से ये सारे काम काज रुक गए हैं। हर प्रतिनिधि को अपने वार्ड में जवाब देना होता है, काम काज बिल्कुल नहीं हो रहे थे, इसके लिए ये ऐसा ठोस कदम उठाना पड़ा। मैडम, आयुक्त ऐसे कह रहे हैं कि उनको कोविड में जो काम करने चाहिए था वो करने नहीं दिया गया, वो एक टेंट लगाना चाहते थे जिसमें क्वारंटाइन सेंटर बनाना था, पर सत्ताधारी विरोधक ने उनको काम करने नहीं दिया, ऐसा उनका आरोप है। उनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। और टेंट लगाने की जो बात है, उसकी हमारे शहर को टेंट की ज़रूरत ही कहाँ पड़ी। हमने तो हमारे मालेगांव शहर के कई हॉस्पिटल एक्वायर किए, हज हाउस किया, दिलावर हॉल किया, ऐसे कई अपना एमएजी कॉलेज किया, ऐसे कई जगह पर हमने तो इंतज़ाम किया कोविड पेशेंट के लिए, तो हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी। क्या सिर्फ यही वजह है वो खर्च का, टेंट उभारना, टेंट लगाना, वो जब जब गहमागहमी का माहौल होता, लेकिन हम उस पर काबू पा चुके थे, तो ज़रूरत क्या थी हम पैसों का ऐसा मतलब पानी की तरह पैसे बहाते। अगर वो शासन के भी हैं तो वो उसकी ज़रूरत नहीं थी, टेंट लगाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। अगर वो मुस्तकबिल में पड़ती तो शासन से लाते, टेंट की भी मंजूरी लाते, लेकिन ये
पैसे का दुरुपयोग हो रहा था, इसके लिए हमने उसको नहीं किया। उनका इल्ज़ाम बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है और गलत है। जो आवामी कामकाज जो होने चाहिए थे शहर में, एक आयुक्त को जो काम करना चाहिए था यहाँ पर आने के बाद, आयुक्त ने अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागते रहे। सर, मैं समझती हूँ जब से वो यहाँ पर आए हैं, ड्यूटी ज्वाइन की है, तब से लेकर वो 2 से 3 महासभा उन्होंने अटेंड की है। वो महासभा में भी यहाँ पर इतने मत होके शहर के हित में फैसले लिए जाते हैं, यहाँ पर वो अब अपने आप को मौजूद नहीं रखते हैं। क्या ऐसे आयुक्त की हमारे शहर को, हमारी महानगर पालिका को ज़रूरत है? ये सवाल मैं आप ही लोगों से पूछना चाहती हूँ। क्या ये इतनी वजह है कि वो काम नहीं करे? भ्रष्टाचार भी किया है उन्होंने? भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा किया है उन्होंने। जब भ्रष्टाचार, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ही तो हमने उनसे, उनके भ्रष्टाचार से हम परेशान होकर ही हमने ये एक ठोस कदम उठाया कि इनको आप घर भेज दिया जाए। किस तरह का भ्रष्टाचार, उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई? हमारा जो काम है हमने यहाँ से उनको हटा दिया, उसके बाद हम विकास मंत्रालय में ये सारा प्रस्ताव हम भेज देंगे। अब वो शासन का काम है उनको उनके किए की सजा देना नहीं देना। कॉरपोरेशन की पहली मर्तबा जब से मालेगांव कॉरपोरेशन बनी 20 साल हो गए, 21वां साल चालू है, और मालेगांव की तारीख का पहला ऐसा आयुक्त तो आया था मालेगांव कॉरपोरेशन में, जो दीपक कासार, जिस टाइम उनकी पिछले साल मालेगांव कॉरपोरेशन में कोविड के टाइम पे उनका यहाँ पे ऑर्डर हुई, उनको भेजा गया। वहाँ से लेकर के कुछ दिन, 15 दिन, 8 दिन, 1 महीना गया, कोविड बहुत तेज़ी से शुरू हो गया था शहर में, आज भी चल रहा है। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने एक नया प्रोग्राम लाए थे कोविड की आड़ में, कोविड सेंटर बनाने के, बड़े बड़े टेंट लगा के। लेकिन उस वक्त तो यहाँ की अपोजिशन से लेकर के रोलिंग से लेकर सभी लोगों ने उसका विरोध किया, और उस वक्त तो उसके अंदर आड़ा लगा और जब ब्रेक लगा था। उसके बाद फिर उसको कई मर्तबा बोला गया, समझाया गया, लेकिन वो नहीं मानने लगा। अपनी आदत से बोलते ना, बाज नहीं रहता इंसान, आता नहीं। फिर हमने वैसा डायरो लाने की कोशिश की उस वक्त तो। उस वक्तों से हमारे पास 54 लोगों की सहन थी, मेजॉरिटी वालों की, और साथ में 3-4 राष्ट्रवादी की भी सहन थी। जब इसी तरीके 54 सहन थी, प्रस्ताव हम लाने वाले थे, तो ये हुआ कि हमारे सेना के लोगों की, हमारी दादा भाव ने हमको बुलाया, समझाया कि एक अधिकारी को संधि देना चाहिए, उसका करियर खराब होगा। आप लोग इत्मीनान रखो, अभी कोई मीटिंग वगैरह कॉल मत करो, ऐसा ठहराओ कि उस पर मैं बदली करा के लाता हूँ। लेकिन कोई वैसे वो बदली नहीं हो सकी, और वो रुक गया। और फिर उसको ऐसा लगा कि मैंने सभी राजकीय पक्षों को, लोगों को हाथ में रख लिया, और ये मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन क्योंकि जहाँ लोक प्रतिनिधि, जनता, तमाम कॉरपोरेटर, महापौर, यहाँ तक के मालेगांव कॉरपोरेशन के जो गवर्नमेंट के अधिकारी और यानी उपायुक्त वगैरह जो 4 है, सहायक आयुक्त और जो 2 उपायुक्त और बाकी अधिकारी कॉरपोरेशन के, सभी उनसे नाराज़ रहने लगे, पूरे कॉरपोरेटर नाराज़ रहने लगे। ये बंदा हर हफ्ता, जबकि हफ्ते में गवर्नमेंट ने अब 2 दिन छुट्टी डिक्लेयर कर दिया है, कम से कम 5 दिन पूरा वक्त तो यहाँ पर देना चाहिए। ये वक्त तो ना देते हुए ये सिर्फ और सिर्फ 4 दिन यहाँ, अरे 1 दिन यहाँ रहते थे, 1 दिन में आधा दिन कॉरपोरेशन आते थे, 4 दिन यहाँ से गायब रहते थे। कहो साहेब कुठे गए तुम्हें, कुठे जाता है? वो मंत्रालय मीटिंग निकाली मैंने माजी, यानी कॉरपोरेशन में कोई मैसेज नहीं रहता था, कॉरपोरेशन को कोई खबर ही रहती थी कि मंत्री ने कोई मीटिंग बुलाया, कि फलक नगर विकास ने मंत्री बुलाया, ये ऐसा कुछ नहीं रहता था। और ये काम चोर अधिकारी था, काम नहीं करना चाहता था, सिर्फ उसका घर भरना चाहता था, वहाँ भी जाकर के वो बिजनेस करता था। PMI योजना जो है गवर्नमेंट की, वो लोगों को बोलता था
कि भैया 2 एकड़ ज़मीन है क्या, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पास कराया था, फिर केंद्र में मेरे लोग बैठे हैं आई एस अधिकारी, वहाँ से मंजूर करा के पैसा तुम्हारे को दिला देता, कुछ मेरे को ही मिल जाएगा। ये धंधा सिर्फ उसने किया। मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर जितने ऐसे भाई माइनिंग का विषय आया, कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने गाड़ियाँ जो खरीदी की उसकी बात जो बोला, उसके बाद में एक पंपिंग स्टेशन, नया पंपिंग जो पंप जो 4 नए डालना है, वो नए ना डालते हुए 4.25 करोड़ में अगर उसकी रिपेयरिंग होती हुई जो 50 लाख में रिपेयर हो जाए, ऐसे उद्योग को इंसान यहाँ कर रहा था। ये उद्योग को रोकने के लिए उनको बारह ऐसा हम ओरल जबानी महापुर हुए, डेपुटी महापुर हुए, मैं हुआ और लोग ऐसे समझाते गए, दादा भाव ने भी कई मरतबा समझाए, लेकिन वो मानने तैयार नहीं था। अभी उसने जो पीछे हमने ठहराव किया था महासभा में कि वाटर ग्रेस के बारे में उसको रद्द करना चाहिए था, उसके अलावा था उसको बनाया गया था यानी कोर्ट जैसा एक है ना, आर्बिट्रेशन को उसकी जवाबदारी थी, उसने दोनों कोर्ट भी वही, ऑर्डर भी वही, चेक भी निकाल दिया 2 करोड़ का। तो वो अधिकारी करता कुछ था, बताता कुछ था, दिखाता कुछ था और करता कुछ था। इसके लिए सबकी नाराज़गी की वजह से दोबारा ये प्रस्ताव लाना पड़ा और मैं सभी पक्षों के लोग का शुक्रिया अदा करूँगा कि सब ने एक राय से उसके विरोध में वोट डाले, कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव के ऊपर। इसके लिए मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमने उनके खिलाफ ठहराव कर दिया है, ये ठहराव शासन को चले जाएगा, शासन दूसरा आदमी उसकी जगह के ऊपर मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर भेजेगी और अब वो यहाँ पर कोई कामकाज नहीं कर सकता। कुछ सदस्यों ने वहाँ पूछा कि या महापुर से बात बोले गई कि अब उनको हमने हटा दिया और उनको भिजा दिया, हमने उनके खिलाफ ठहराव लाया है, शासन उसका अब निर्णय लेंगे क्योंकि हम वहाँ गवर्नमेंट को भेजेंगे और शासन बदली करेगी उसकी, है ना। लेकिन अब उसके ऊपर या वो कोई कामकाज नहीं कर सकते, यही सिर्फ मुझे बोलना है। अब उनका यहाँ कोई काम रह भी नहीं गया, अब उसने यानी इज्जत से यहाँ से छुट्टी डाल के चले जाना चाहिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और नहीं तो अगर यहाँ बैठ करके उसके बाद भी अगर अड्डर में करेंगे तो फिर पूरे कॉरपोरेटर महापौर हम सब उनका फिर घेराव करेंगे।